क्या हुआ? मेघा, मेघा, मेघा दी, क्या हुआ मेघा दी? क्या हुआ, क्या हुआ? आराम से, आराम से। मनोज ने मुझे फोन किया और उसने कहा कि वो 20 मिनट में घर के अंदर आ रहा है। ऐसे कैसे हमारे घर के अंदर आ जाएगा वो? हाँ। मैं पुलिस स्टेशन में फोन करती हूँ। कर, 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 कर। थाने धारनी। उठा, मैं बात करती हूँ इससे। उठा। बेबी। ओए, क्या तमाशा लगा रखा है तूने बाहर से? पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना जब तुझे, सारी हेकड़ी निकल जानी है तेरी। अच्छा है, ये ड्रामा ना खत्म हो जाएगा। वो लोग आएंगे और मैं उनको कोर्ट के पेपर्स दिखाऊंगा, फिर वो सीधा मुझे आपकी बेटी के कमरे में लेके जाएंगे। अरे पति हूँ मैं उसका, उसके कमरे में जाना मेरा अधिकार है। मेघा, अच्छा भूल मत जाना, मुझे तुम्हारे ऊपर वो पिंक सूट बहुत अच्छा लगता है, वो पहनना। हद में रहे मनोज। खुराना जी, कुछ डंडा, कुछ ऐसे डर डर के हम कब तक जिएंगे? सही कह रहे हो बुआ जी आप, ऐसे हम कब तक डरते रहेंगे? क्या चाहिए? अब आ गई हूँ तुम्हारे सामने, बोलो। तुम लोग डर गए क्या? I like it. जो डर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की आंखों में है ना, वो बना रहना चाहिए। अभी पिछले 20 मिनट में तुम लोगों की आंखों में जो डर था ना कि मैं घर में आऊंगा और मेघा के साथ क्या कर जाऊंगा, वो अब अगले 6 महीने ऐसे ही रहेगा। इन 6 महीनों में मैं वो हालत कर दूंगा तुम लोगों की कि तुम लोग गिड़गिड़ाते हुए मेरे सामने आओगे और माफिया मांगोगे। ना रहने के लिए छत होगी, ना बदन पे कपड़े होंगे, ना प्लेट में निवाला होगा। तलाक के बाद हमेशा औरत अपने पति से एलिमनी लेती, लेकिन अब मैं लूंगा तुमसे रिवर्स एलिमनी। तुम लोगों का घर बिक जाएगा, तुम्हारे जो पापा जी हैं ना उनकी किडनी बिक जाएगी। चुप रहो, चुप रहो, बोलने दो, बोलने दो जो बोल रहा है। ये मेरा प्रॉमिस है।